बनकर के तैयार है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी और प्रयागराज से जोड़ने के लिए, वाराणसी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लखनऊ जाना हो, प्रयागराज जाना हो, वाराणसी जाना हो, गंगा एक्सप्रेस वे उनके मार्ग को आसान करेगी, और आसान ही नहीं करेगी, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी सरकार वहां पर देने जा रही है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुरादाबाद के अंदर आपने देखा होगा एयरपोर्ट बन गया है, बहुत सी हम लोग वायु सेवा मुरादाबाद से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुरादाबाद से वायु सेवा प्रारंभ होगी, लोगों के लिए कल्पना थी पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगा जो जमीन का हताशा निराश था, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन किया। आज 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट करता है, पीतल के वस्तुओं को दुनिया के अंदर दुनिया के बाजार में बेच करके अपना ब्रांड मुरादाबाद बना करके अपना कार्य करता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हमारी संवेदना गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, और बेटियों के लिए है, सामान्य नागरिकों के लिए है। हमारी संवेदना प्रदेश के नागरिकों के लिए है, लेकिन जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा गरीबों के पेट पर जबरन हक उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं प्रदेश का हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, होता था ना, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, आज दंगा नहीं होता है। अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा है ना, और सुरक्षा का माहौल अच्छा लगता है ना, जब बेटियां स्कूल जाती है कोई भय नहीं, तो भाइयों बहनों हर परिवार खुश होता है, उनका आशीर्वाद इस डबल इंजन सरकार को मिलता है। डबल इंजन सरकार को उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार रिपीट की है, और फिर डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब 24/7 की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहाँ पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था, अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था, और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई आपसे कहने के लिए। एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली विरासत का सम्मान करने वाली लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति सम्मान है, सुप्रीम वाली निर्माण होने जा रहा है, आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए सुप्रीम में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विद्युत कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से बहुराम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। क्या इनाम विरोध कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा
विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा, और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी, जनता जनार्दन इसकी सजा देगी ही देगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।